हाय, आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर मेल्ट कर लेंगे। आप चाहे तो सारा प्रोसेस बटर से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप फाइनली चॉप्ड ऑनियन, 1 या 2 ग्रीन चिल्ली। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। जब तक ऑनियन थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे बिना कवर किए। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और फिर से 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे बहुत ही बारीक कटे हुए टमाटर, 1 टेबलस्पून नमक। आप चाहे तो ऑनियन और टमाटर का पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ब्लेंडर है तो उसमें भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और सिम से मीडियम एडजस्ट करते हुए जब तक सारा टमाटर अच्छे से पक ना जाए तब तक पका लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। मैं यहाँ पर रेडीमेड गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ। आप चाहे तो सारे गरम मसाला के जो आइटम्स होते हैं, बे लीव्स, लौंग, चकला, ये सारे आप ड्राई रोस्ट करके पाउडर भी कर सकते हैं। जब तक ये पक रहा होता है हम दूसरे पैन में 1 टेबलस्पून बटर गरम कर लेंगे। अब इसमें क्यूब्स में कटे हुए पनीर डाल देंगे। मैं यहाँ पर 200 ग्राम्स पनीर ले रही हूँ। अब हम सिम पे इसको जब तक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें 1/2 ग्लास वाटर डालेंगे। फ्लेम को अब हम सिम से हाई पे एडजस्ट करते हुए इसको पकाएंगे 5 मिनट्स के लिए। पनीर हमारा पक रहा है। जब उबाल आ रहा होता है हम फ्लेम को सिम पे रख लेंगे। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे और 5 मिनट्स के लिए कवर करके पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर ऑप्शनल है ताकि खटास अगर हो तो बैलेंस हो जाता है शक्कर डालने से। अब इसमें हम अपना तलकर रखा हुआ पनीर भी डाल देंगे। मैं यहाँ पर पनीर को तलकर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको 10 मिनट्स के लिए सिम पे कवर करके पका लेंगे। 10 मिनट्स के बाद फ्लेम को बंद कर लेंगे और गरम गरम सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा बटर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप इसको नान, बिरयानी, जीरा राइस के साथ भी ट्राई ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।